bedroom, para bathroom, para kitchen and living room. तो चलो बनाते हैं. उसके लिए कोई भी कलर शीट here. अभी देखना बीच में कलर शीट आ जाएगी. पहले स्टार्ट करते हैं. हम पहले ट्रायंगल की ओर करेंगे. ट्रायंगल चारों को ट्रायंगल जैसे कट भी कर देंगे यहाँ से और चारों तरफ, मतलब जो तीन और है ना उसको भी ऐसी शेप में कट करेंगे और यहाँ से कट कर देंगे चारों. जैसे ये तीन और शीट है ना मेरे पास, उनको भी ऐसे ही बनाऊंगी. तो यहाँ पे मैंने सबको ऐसे ट्रायंगल शेप में कर लिया. अब हम खोलेंगे और अब हम इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे. फिर खोल के इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे. अभी हमने कैसे फोल्ड किया था, ऐसे ऐसे और अब हमने ऐसे और अब हम सबको ऐसे कर देंगे. तो यहाँ पे मैंने सबको ऐसे कर लिया. और अब ये जो लाइन दिख रही है ना उसे ये यहाँ से कॉर्नर देके यहाँ पे बस कट कर देंगे. तीनों को कर देंगे. यहाँ पे मैंने सबको कर लिया है. अब हम क्या करेंगे, ये जो हो रखे हैं उसको हम, ये जो कट हो रखा है उसको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे. ठीक है, देखो ये ऐसे है, इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे. ऐसे करके ये ऐसे था, ऐसे ऐसे चिपका देंगे. तीनों का ऐसे करके चिपका देंगे. आपको पता है मैं किसे चिपकाऊंगी, हॉट न्यू गन से. मेरा हॉट न्यू गन को मैं गर्म करूंगी. गर्म नहीं मतलब जो उसकी स्टिक होती है, मैं उसको गर्म कर दूंगी. हॉट होने क्योंकि इसका नाम हॉट न्यू गन है, हॉट होने दो उसको. ये तो मैंने सबको कर लिया. अब क्या करना है, यहाँ पे जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ना, उसे ऐसे मोड़ देंगे. कैसे देखें, ये ट्रायंगल है मतलब ये ऐसे है और इसे हमने ऐसे पकड़ा और ऐसे मोड़ दिया. और इसी केस में होगा इस ट्रायंगल में, देखो है ये है, इसको हमने अंदर की ओर मोड़ के ऐसे कर दिया और फिर ये ऐसा बन जाएगा. ऐसा हम सबको कर देंगे, सब में हमने कर लिया. अब क्या करेंगे, इसे हम ऐसे रखेंगे, ये वाला जो है इसे हम ऐसे रखेंगे और दूसरे को लेंगे. ये वाला जो ऐसे वाला पार्ट है ना जो ऐसे खुलता हो उसे हम सीधा और के तरफ रखेंगे और ऐसे करके हम चिपका देंगे सबको. जैसे अगर हम ये बंद है, देखो ये बंद है, अगर हमें जैसे हमने यहाँ पे बेडरूम बना रखा है ठीक है, और ये ऐसे खुलेगा है ना, फिर ऐसे हम बंद करेंगे और फिर ये दूसरा ऐसे खुल जाएगा. तो ऐसे करके हम सबको चिपका देंगे. ये तो मैंने चिपका लिया. अब एक चीज दिखाऊं, देखना अभी ये जो शीट है वो कलर शीट बन जाएगी. 1, 2 and 3 देखो. अच्छा अब आगे बढ़ते हैं. देखो मैंने कैसे चिपकाया, ये फिर ये फिर ये फिर ये और ये जो शीट है वो फटनी नहीं चाहिए. चलो अब हम अंदर का बनाते हैं. जैसे ये मैंने बनाया है, इसके अंदर पहले हमने क्या बनाया है, बेडरूम. तो बेडरूम के लिए हमें क्या चाहिए, एक पहले तो हमने एक शीट ली थी ऐसी और इसमें हमने ये डिज़ाइन बनाया ठीक है. और फिर हमने क्या लिया था, पहले तो हमने ये बनाया है और फिर हमने बेड बनाया. बेड कैसे बनाया, हम
एक ऐसी शीट ली थी और इस ऊपर वाले को हमने ऐसे मोड़ दिया था और नीचे वाले को दो साइड में ऐसे मोड़ा, फिर एक और ऐसे मोड़ दिया। और अब क्या करेंगे, और अब हम क्लॉक दिखाऊंगी। और ये क्लॉक, अब मैं इसके अंदर वो लिखूंगी 12-13 जो वो होता है अंदर का। तो यहाँ पे मैंने ये बना लिया है। अब क्या करेंगे, अब हम मैट बनाएंगे। जो नीचे का मैट होता है वो हम किससे बनाएंगे, वाइट पेपर से। तो यहाँ पे एक मैंने ये बनाया और उसके अंदर मैं पिक्चर बना लूँगी, मतलब कोई भी ड्राइंग। तो यहाँ पे मैंने मैट बनाया है, तो अब हम इसे चिपका देंगे। तो ये जो पिंक वाला है उसमें हम बेडरूम बनाएंगे। तो हाँ, अब हम इसे चिपकाएंगे। पहले तो हम इसे खोलेंगे। तो ये हाँ, अब ये जो है ये इसे हम यहाँ पे लगा देंगे। तो अब हम बेड कैसे चिपकाएंगे, बेड यहाँ पे जो जब ये रहेगा तो ये ऐसे रहेगा, और हम इसको इस चीज़ को हम दीवार के ऐसे चिपका देंगे। और ये डबल है, तो एक को नीचे यहाँ पे बोन लगा के नीचे से चिपका देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे फुल कर दिया है, ये लॉक ये भी। और अब हम क्या बनाएंगे, बाथरूम कैसे बनाएंगे उसके लिए मैं आपको बताऊंगी। तो ये मैंने दूसरी ये ले ली है। तो यहाँ पे मैंने ये ऐसे कर लिया, एक ऐसी बड़ी सी शीट थी और मैंने इसमें ऐसे दो कर दिया, ये ऐसे था और ये तो यहाँ पे एक ऐसी शीट थी, मैंने इसे डबल फोल्ड किया, एक ऐसे और एक ऐसे, और इस तरफ से भी ऐसे किया। और ये मैंने वॉशिंग मशीन बनाई है, इसको भी ऐसे ही बनाया है मैंने। बाथरूम में तो कई बनेगा, तो अब हम इसको चिपका देंगे। मैं अभी आपको चिपका के बताऊंगी बाद में, मतलब अभी इसे ये यहाँ पे मैं इसको ये चिपका दूंगी और यहाँ पे मैं इसको चिपका दूंगी। तो बाथरूम भी हमारा बन गया, वॉशिंग मशीन और बाथरूम। और अब हम क्या बनाने जाएंगे, किचन। तो इसके लिए हमें एक बड़ी शीट चाहिए पहले भी। और यहाँ पे हम एक फ्रिज बनाएंगे, उसमें हम कोई अंदर वो बना के, पहले तो मैं फ्रिज को चिपका दूंगी। तो यहाँ पे मैं अभी बाद में ड्राइंग बनाऊंगी, अभी मैं इसमें चिपका दूंगी। और ये हमारा ये फ्रिज है और ये कुकिंग का वो, और हम लास्ट में बनाएंगे अपना लिविंग रूम, पहले टीवी फिर बिस्तर। और ये हमारा लिविंग रूम, यहाँ पे मैंने यूट्यूब लिखा है, और ये सोफा जहाँ पे हम लोग बैठेंगे। अब मैं स्टार्टिंग से दिखाती हूँ। ये है मेरा बेडरूम, ये है मेरा बाथरूम, ये है मेरा किचन, और ये है मेरा टीवी मतलब लिविंग रूम। और आगे हम क्या लिखेंगे, अब हम यहाँ पे एक फ्लावर बनाएंगे, एक ऐसी शीट लेंगे और एक ये ऐसे फोल्ड कर देंगे। वो जो शीट थोड़ी छोटी पड़ गई थी, तब आगे बढ़ते हैं, ऐसे लेंगे और हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ये फोल्ड हो गए हैं, प्रेस कर देंगे अच्छे से। और ये मैंने सीधा लिया, और अब यहाँ से हम एक दिया जैसे शेप में कट कर देंगे। ये मैंने कट कर लिया, ये
ऐसा बन गया। अब हम इसमें डेकोरेट करेंगे, ऐसे ही हम एक और बना देंगे। ये देखो बेडरूम, किचन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके बाय।